दुनिया के किसी कोने में, किसी गांव में, किसी इंटीरियर से भी आपके ऐप वो होना चाहिए, आप कनेक्ट करिए और हमसे बात करिए। आप एक सुपर इकोसिस्टम जनरेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जनरेट कर रहे हैं। द मनी पार्ट इज इन्वेस्टमेंट पार्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंड द माइंड पार्ट इज द मेंटर्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, पीपल हैव वर्क्ड फॉर 30 इयर्स, 20 इयर्स, 40 इयर्स इन द लाइफ, सम ऑफ देम आर रिटायर्ड एज वेल, मेनी आर नॉट, सो दैट्स द माइंड नेटवर्क, द माइंड पार्ट ऑफ द आवर मेंटर बाबा प्लेटफॉर्म। And money part is helping the young entrepreneurs get the funding from venture capitalists and also from angel investors as well. And someday maybe crowdsourcing as well or crowdfunding someday. So that is the money and mind part. Mind is the teaching part, mentors, education, and the money part is helping the staff. And one thing I want to say, Tariq Bhai mentioned something Purak. That Purak ki baat inhone kahi. नदी को पानी की जरूरत होती है और पानी को नदी की, विन विन सिचुएशन आई थिंक। बिना पानी की नदी नहीं होती है, और एक संस्कृत की कहावत है, मैं उसको हिंदी में कह रहा हूँ, बिना मणि का बलय कड़ा नहीं सोखता है, और बिना बलय का मणि नहीं सोखता है, और दोनों बिना हाथ नहीं सोखता है। आपने मोदी की स्किल इंडिया से कोई रिलेशन है या सिर्फ इंस्पायरेंस है? इसका हमारा हम इंडिया सॉरी मोदी की इसमें लगी हुई है, सिर्फ इंस्पिरेशनल लगा रखी है या कोई कनेक्शन भी है इसका? ओके हमारा ओके नहीं आपका नहीं, आपकी कंपनी का मेंटर वाला नहीं, वी आर गुड क्वेश्चन। ओके आई वांट टू आंसर दैट टोटली नॉन पॉलिटिकल, आई वांट टू मेक श्योर ऑल यू अंडरस्टैंड दैट I am personally not in any. No. He is saying about Skill India, startup India. Okay, there is no government. No government connection. I am a private citizen, and I have no government connection with either USA. ज़रूरत क्यों पड़ी? ये दोनों तरफ एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ पार्ट के लिए ये हम इन्होंने एक्सपायर किया था। क्योंकि इंस्पिरेशनल है ना, बस इंस्पिरेशनल या इंस्पिरेशनल। ये ऑलरेडी उसका एक तरीका होता है। बुढ़े ओके शायद मैं भी आपके आसपास ही हूँ, भगवान करे आप सक्सेस हो। और मेरा जो मेन मकसद है सवाल पूछने का कि आपने थ्री स्कॉलरशिप चलाई थी कानपुर, सो आई बीन इन्वॉल्व विद इंडिया गिविंग माय ओन मनी टू अदर पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस माय अल्मा मातेर। एंड सो आइडिया इज दिस ईयर, as I said earlier, I met Adnan in my class. If I met him last year or 2 years ago, or when Manmohan Singh was there, I would have started that time as well. But I didn't meet him that time. A good teacher always looks for a good student. 2015 or 16, I forget now. So I came from USA to attend the Prabhasi Bharati Divas. I heard him. Never met him, no, hardly any kuch name, like I don't know him by name. Yogi ji ko I heartily impressed, sold out on him. तो बाबा ये पूछना ये था कि ये जो आप बता रहे स्टार्टअप स्टैंडअप, ये पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर से चल रहा है, ठीक है? अभी तक के पूरे देश भर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अनुसार जो है मुश्किल से 128 स्टार्टअप चालू हो पाए हैं, ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में आप बता रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो एंजल कैपिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, खैर इस बजट में उन्होंने कुछ दूर करने की कोशिश की है, पूरी तब भी नहीं हुई है। दूसरा वेंचर कैपिटल के ऊपर भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे में कैसे आप क्या करेंगे? देखिए पिछले 10 सालों में KPMG के अनुसार, KPMG जो अमेरिकन ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी, इंडिया में 7000 स्टार्टअप 10 साल पहले से अभी 50,000 स्टार्टअप हो गए, 50,000 अभी इंडिया में, ग्लोबल नहीं, इससे KPMG का रिपोर्ट आया है फरवरी में दिस ईयर। So the growth is seven times in last 10 years. In last 5 years, the number of companies with a valuation of $1 billion and more in India has grown by 20 times. 20 times. Ek company thi $1 billion ki valuation ki 2013 mein. Abhi is saal 23 companies hain. Just couple of months ago, 23 companies. OYO is the latest company to join the $1 billion. Okay, so it's a very fast evolving situation in India, really fast. All of you
as a, in journalism, have to really watching what is happening. So 10 times increase in number of startups in last 10 years, more than 20 times increase in number of unicorns, companies with $1 billion valuation and plus, just in last 5-6 years, is amazing stuff, really amazing stuff. In India, there is an issue of angel investment. And you really pointed that really well, and I admire that. Mentor Baba will solve those problems. It will. That is one of the things which affected me. I'm saying, how these young people will get money? Because Indian angel network is risk averse. They don't want to take big risk. And if they want to invest money in the startup companies, they want half the company, okay, or more than half. This is not the model in USA. It's not the model in USA. People, Indian angels have to take bigger risk, and they have to invest money in the startup companies without taking control of the Indian startup companies. How much the startup start in this financial year? How much startup of angel capitals, venture capital you provide from your side? Mentor Baba, So 30%, like our rocket fund, our partner company called Three Lions for VC in USA, we have allocated 30% of our second fund. We are raising our second fund right now. 30% of that will be invested in India, 30%, and 70% in USA. So that 30% will go to all startup companies, not established companies. That is my commitment. I'm a general partner in Three Lions for VC, and through Mentor Baba's platform, that money will come. And so how much this 30% will come up to in terms of money? So the second fund we are raising right now is a $20 million fund. $20 million is how much? $20 million.